हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने के दौरान देश को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारे कई साथी ऐसे रहे जो बीमार होकर अस्पताल गए तो लौटे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में, कोई आशा का भी संचार कर रहा था, हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। ये लोग थे हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स। हमारे कई साथी कोरोना से ग्रसित होकर अस्पताल गए तो लौट कर ही नहीं आए। ऐसे सभी साथियों को हम सादरान अंजलि अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के मौके पर देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के हौसले की सराहना करते हुए एक कविता की पंक्ति पढ़ी। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं मोदी की कोलकाता की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ भारत विरोधी संगठनों की ओर से कई एनजीओ को की गई फंडिंग के सिलसिले में है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये संगठन सरकार के साथ किसानों की ओर से वार्ता में शामिल है। बलदेव सिंह सिरसा से ये पूछताछ अलगाववादी संगठन सीक फॉर जस्टिस के एक नेता पर दर्ज केस के सिलसिले में की जाएगी। व्हाट्सएप टर्म एंड कंडीशन को लेकर लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने घोषणा की है। उसने प्राइवेसी अपडेट करने का अपना प्लान 3 महीने के लिए टाल दिया है। कंपनी का कहना है कि प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर यूजर्स में भ्रम है, इसलिए 3 महीने का समय देने से यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने और उसकी समीक्षा करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में घने कोहरे का साया है। कोहरे का कहर सड़कों पर धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे हर तरफ सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई तो वहीं कई ट्रेनें प्रभावित हुए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आने वाली 24 ट्रेनें लेट हुई हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स पर भी कोहरे का असर पड़ा है। यूके में पाए गए कोरोना स्ट्रेन के कारण वहां कोरोना के मामले और तेजी से फैलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राजील में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है। ऐसे में यूके की सरकार ने अतिरिक्त सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इसीलिए यूके में सोमवार से सभी प्रकार के ट्रेवल कॉरिडोर बंद किए जा रहे हैं। भारत अरबों रुपए का रक्षा सौदा कर रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद रहा है, लेकिन इस डील को लेकर अमेरिका की बहुत चढ़ी हुई है। अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ इस डिफेंस डील के लिए अमेरिका की ओर से भारत को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के साथ जा रही $5.5 अरब के इस डील को लेकर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे ही एक डील के लिए अमेरिका तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। स्वर्गीय अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन को 2021 में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है, लेकिन निर्माता इस 4 सितंबर को ऋषि कपूर के जन्मदिन पर उनके फैंस और उनके ट्यूबर देते हुए दिग्गज अभिनेता की ये आखिरी फिल्म पेश करने का प्रयास करेंगे। इस बात को हकीकत में बदलते हुए एक्टर परेश रावल ने फिल्म के बचे हिस्से को उसी भूमिका में पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की है। एक संवेदनशील कदम जो हिंदी सिनेमा में अभी तक नहीं देखा गया। फिल्म निर्माताओं और परेश रावल ने फिल्म को ऋषि के सम्मान के रूप में रिलीज करने का ये निर्णय लिया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने कार्डियक अरेस्ट के कारण आज सुबह अपने पिता को खो दिया।
कृणाल पांड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे। पिता के निधन का समाचार मिलते ही कृणाल पांड्या अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ बड़ौदा के कप्तान कृणाल पांड्या ने अपने परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ रहने के लिए टीम का बायो बबल छोड़ दिया। अब कृणाल पांड्या सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में आगे के टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।